ब्लॉक लेवल अवेयरनेस कैंप लगाया गया है। मिशन बुनियाद सुपर 100 देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में बच्चे पहुंचे हैं और जो मिशन बुनियाद की टीम वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। दर्शन देख सकते हैं, हर किसी को मत फ्री में मिशन बुनियाद सुपर 100 की जो कोचिंग दी जाती है, आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर आज का जो कार्यक्रम चला है उसको आप जो लाइव विजुअल देख पा रहे हैं, डीएन हरियाणा वॉइस ऑफ जींद के माध्यम से देख पा रहे हैं। को और आगे बढ़ाते हुए आप सबके लिए विकल्प फाउंडेशन की तरफ से कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, कृपया सभी पेरेंट्स और बच्चों। हमारे साथ नवीन मिश्रा जी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जो ये कार्यक्रम है आप स्कूलों में जाकर प्रचार कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, किस तरह कार्यक्रम है और इससे हमारे जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्या लाभ हो सकता है? देखिए, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2018 में हरियाणा सुपर 100 प्रोग्राम की शुरुआत करी थी, जिसके तहत 11th और 12th क्लास के बच्चों को स्कूली एजुकेशन के साथ साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए तैयारी करवाया जाना जी था। जी। इसका पहला बैच 2020 में निकला था जी जी। और उसके तहत एक बच्ची का IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में दाखिला हुआ था, जो कि एक ऐतिहासिक सफलता था। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट भी करा था जी जी जी। इसके बाद उसी बैच का इस साल प्लेसमेंट शुरू हुआ, प्लेसमेंट मतलब जॉब, नौकरी IIT से उसी बच्ची का आज माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी में 31 लाख के पैकेज पे जॉब लगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी इससे इतना ज़्यादा प्रभावित हुए और सरकार इससे इतना ज़्यादा खुशी उनको हुआ कि उन्होंने सोचा कि इस कार्यक्रम को ब्लॉक लेवल पे एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू करा जाना चाहिए। और अभी 119 ब्लॉक में यह कार्यक्रम शुरुआत हो गया है, उसी के तहत आज जींद में यहाँ पे ये कार्यक्रम जुलाना में हो रहा है जी जी। और जो पर्पस है इस कार्यक्रम का वो सिर्फ इतना है कि जो ग्रामीण परिवेश के जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनमें हौसला भरना, उनमें एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना कि ये हमारे सरकार ने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए दिया है जी जी। आज 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए सरकार ने मिशन बुनियाद कार्यक्रम भी शुरुआत करा है, जिसके तहत 9वीं 10वीं की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का जो फाउंडेशन है आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है ना, उसको मजबूत करना। और आज 103 सेंटर पे यह कार्यक्रम चल रहा है और इस साल का जो कार्यक्रम है वो अगले साल मई से शुरुआत होने जा रहा है, जिसके लिए अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस वगैरह शुरू होंगे। इसके Level 1, Level 2, Level 3 के एग्जाम्स होने हैं। सर जैसे आपने कहा रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके, इसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ अपने पास से पैसा देना पड़ेगा या वैसे फ्री में ही है? देखिए, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है वो फ्री है। इवन कि सरकार का जो मॉडल संस्कृति स्कूल है उसमें अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए मासिक फी 500 रुपये का है, लेकिन उसी मॉडल संस्कृति स्कूल में अगर मिशन बुनियाद के तहत बच्चे पढ़ते हैं तो वो पैसा भी मुफ्त है, वो चीज़ें सरकार वो भी सरकार वहन करेगी। तो इस कार्यक्रम में बच्चों को किसी भी तरह का एक पैसा नहीं देना होता है, बल्कि बच्चों को अपने घर से सेंटर पे आने का और सेंटर से अपने घर पे जाने का 4 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से TA दिया जाता है, बच्चों के यूनिफॉर्म दिए जाते हैं, बुक्स दिए जाते हैं, टैब। नमस्कार जी। सर जो आज कार्यक्रम चला हुआ जुलाना के गर्ल्स इंग्लिश कैंडी स्कूल में, हमारे जो रूरल एरिया से बच्चे आते हैं किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, ये जो पहल है हरियाणा सरकार और विकल्प फाउंडेशन के द्वारा शुरू करी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे ग्रामीण परिवेश से जो छात्र आते हैं कई बार संसाधनों के अभाव में वो एक उच्चतम शिक्षा के वंचित रह जाते हैं। और यहीं हमारा ये इनिशिएटिव बीच में आता है, जहाँ पर बच्चों का अलग अलग एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्शन करके उनको सेंट्रलाइज तरीके से एक स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ाई दी जाती है, जिसके अंतर्गत वो 9वीं और 10वीं में पढ़ाई करते हैं। और उसके बाद बच्चे फ्री होते हैं कि चाहे वो अपना करियर इंजीनियरिंग में आगे बढ़ाएं, चाहे मेडिकल में आगे बढ़ाएं, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आगे बढ़ाएं। इसके बाद सुपर 100 जो हमारा प्रोग्राम है वो स्पेसिफिकली नीट और JEE के लिए ओरिएंटेड है, जहां बच्चों को इंजीनियरिंग और MBBS की तैयारी की जाती है। और बच्चे दुनिया के सबसे अच्छे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे कंधे से कंधा मिलाकर कॉम्पीट कर पाते हैं। सर बात की जाए बच्चों को कौन कौन सी सुविधाएं इसके अंदर दे रही है हरियाणा सरकार? सबसे पहले तो बच्चों को हर ब्लॉक में, जैसे जींद का उदाहरण है तो करीब 5 हमारे सेंटर आइडेंटिफाइड हैं जहां पे बच्चों को बुलाकर और क्लासरूम में ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाई की जाती है। उसके साथ साथ बच्चों को टैब हम प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को आने जाने का जो भत्ता होता है वो हम सपोर्ट देते हैं, ताकि बच्चों किसी प्रकार संसाधन के अभाव में अच्छी शिक्षा से वंचित ना रह जाएं। सर इसके लिए कोई चार्जेस भी हरियाणा सरकार के जो बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको? नहीं नहीं, ये हरियाणा सरकार की तरफ से निःशुल्क शिक्षा जो प्रोवाइड करने का प्रोग्राम है उसके अंतर्गत किसी प्रकार की फीस हम चार्ज नहीं करते हैं। ये थी बहुत ही खास जानकारी दी अंकित कुमार।
हमारे साथ जुड़ी हैं जिला शिक्षा अधिकारी हैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी, उनसे बात करेंगे। आज का जो कार्यक्रम सुपर 100 मिशन बुनियाद का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का क्या फायदा है छात्र छात्राओं के लिए? नमस्कार मैम। नमस्कार। जो आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, किस तरह फायदा बच्चों का? ये हमारे जो है अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये हमारे सभी ब्लॉक स्तर के कार्यक्रम होंगे। हमारे ज़िले में 7 ब्लॉक है, 7 ब्लॉकों के ऊपर ये कार्यक्रम चलेगा। इसका हमारा उद्देश्य ये है कि जो बच्चे इस प्रोग्राम के बारे में नहीं जानते उनको परिचित करवाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो, वो बच्चे इसमें भाग लें। और जिन बच्चों को आर्थिक रूप से सहायता नहीं मिल पाती, जो बच्चे हमारे उनमें हुनर होते हुए पीछे रह जाते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसके सहारे वो आगे तक बढ़ सकते हैं, हमारी IITs में जा सकते हैं, नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेजेस में जा सकते हैं, और अन्य जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उनके अंदर वो बच्चे भाग ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे झुलाना के अलावा कौन कौन से गांव के स्कूल इस कार्यक्रम के अंदर शामिल किए गए? हमारे सभी जो ब्लॉक्स हैं उनके अंदर हमारे जो एक एक दो दो सेंटर बनाए हुए हैं जहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहा है। मिशन बुनियाद कार्यक्रम के बीच हमारे साथ जुड़े हैं राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय जुलाना के प्राचार्य फोगाट जी, उनसे बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहते हैं वो, जो बच्चों के अंदर इतना उत्साह है और पेरेंट्स भी यहां पर पहुंचे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं दिनेश जी आप? सर बिल्कुल सही। सर आज का जो कार्यक्रम चल रहा है स्कूल के अंदर, बच्चों के अंदर भी उत्साह और पेरेंट्स भी आए हैं, काफ़ी स्कूलों के बच्चे पहुँचे, किस तरह का कार्यक्रम है ये? आज दरअसल जो प्रोग्राम हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है दिनेश जी, जी जी सर, ये हरियाणा सरकार की तरफ से मिशन बुनियाद, जी जी, जिसमें कि 8वीं कक्षा में जो पढ़ रहे बच्चे हैं वो एग्जाम में अपीयर होते हैं। जी सर। पहले उनका एग्जाम ब्लॉक लेवल पर होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके बाद स्टेट लेवल पर, जी सर, देन आफ्टर फिर उनका एडमिशन होता है, और उसके बाद 9th और 10th में इन बच्चों की क्लासेज मिशन बुनियाद के तहत चलती हैं। जी सर। तो हमारे भी स्कूल में मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस साल जो है मिशन बुनियाद की क्लासेज जो है वो हमारे स्कूल में शुरू हो चुकी हैं। जी सर। और इसका फ़ायदा उन बच्चों को मिलेगा जो जुलाना के आसपास के सराउंडिंग एरिया के बच्चे हैं। जी सर। उसके बाद फिर 10th के बाद फिर एक एग्ज़ाम होता है। उसके बाद सारा हरियाणा से लगभग 400 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, जो बच्चे नीट की और IIT की तैयारी करते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने बतौर प्रमोटी स्पेशल गेस्ट के तौर पर अंकित कुमार जी को इनवाइट किया है, जो कि ट्रेनिंग पर हैं, IAS हैं, 2022 बैच के हैं। दूसरे जो हमारे ज़िला शिक्षा अधिकारी जी हैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी, और एक हमारे जो ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर हैं अनिल कुमार जी, और साथ ही जो हमारे बॉयज स्कूल से प्रिंसिपल हैं देवेंद्र फोगाट जी, त्रिलोकी जी, और बच्चों के साथ जितने भी पेरेंट्स आ सकते थे उन सब को आज हमने इनवाइट किया है, ताकि इस कैंपेन को आगे बढ़ाया जा सके। सर ये जो है कार्यक्रम सारा का सारा फ्री है, बिल्कुल विद ऑफ कॉस्ट? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ भी किसी भी तरह की कोई भी लागत हरियाणा सरकार के द्वारा या स्कूलों के द्वारा बच्चों से नहीं ली जाती, ना कोई फीस ली जाती है, बल्कि बच्चों को स्कूल तक आने जाने का किराया भी जो है वो बच्चों को दिया जाएगा। या फिर अभी दिनेश जी मैं आपको बता रहा था कि 2-4 दिन पहले एक लेटर भी जारी हुआ है, उसमें एक नगद किराया देने के बजाय शायद इन बच्चों को परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि बच्चे आराम से समय पर और सुरक्षित हमारे साथ जुड़ी हैं स्कूली छात्राएं जिनको अपने घर वापस फायदा हुआ है, किस तरह का फायदा इनको मिल रहा है इनसे जानकारी देंगे। बेटा किस तरह का फायदा मिल रहा है आपको मिशन बुनियाद सुपर 100 से? मिशन बुनियाद की सहायता से हमें अपना लक्ष्य साफ दिखाई दे रहा है कि हम आगे क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारे कोई भी डाउट होता है तो हम क्लियर कर लेते हैं। क्या नाम है आप, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? पूजा नाम है, 9th क्लास में। कौन से स्कूल? इस गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुलाना। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम तन्नू है। तन्नू बेटा ये बताइए आपको मिशन बुनियाद है सुपर 100 है, इसे किस तरह फायदा मिल रहा है? मैं यहाँ पर जब आई तो मुझे लगता था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मिशन बुनियाद ने मुझे मेरा लक्ष्य साफ दिखाया है। मुझे लगता है कि अब मैं अपनी मंजिल तक साफ साफ पहुँच सकती हूँ। मेरी प्रोग्रेस वहाँ के स्कूल से बहुत अच्छी हुई है। कहाँ से आती हो आप? मैं गतौली गांव से आती हूँ। गतौली गांव से आती हूँ। जुलाना स्कूल में पढ़ते हो? यस सर।
बेटा आप भी मिशन बुनियाद की क्लासें हैं वो लेते हैं, सुपर हंड्रेड की जो क्लासेस लगती हैं जुलाना स्कूल में भी, तो इनसे किस तरह फ़ायदा मिलता है, आपको करियर बनाने में किस तरह काम आएगा? उसमें एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है सर, और जो भी चैप्टर है वो जल्दी क्लियर हो जाता है, क्योंकि वहाँ के बच्चों का तो लेवल सेम नहीं होता, इधर लेवल सेम है तो टीचर एक दिन में देते हैं, सभी करके लाते हैं, अगर कोई बच्चा ना भी करके लाए तो उसे कंपटीशन को देख के करना पड़ता है। जी जी जी, जैसा देखते हो वैसा करना पड़ता yes, है। तो किस तरह के फायदे मिले आपको, क्या क्या सुविधाएं दे रहा है मिशन बुनियाद? इधर टैब भी मिला है सर, ड्रेसेस भी मिलने वाली हैं, और आगे आगे के लिए हमें कॉम्पिटिटिव टेस्ट की भी तैयारी करवाई जा रही है, और एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती है। क्या नाम आपका? हर्षिता। कौन से गाँव से हो? जुलाना से। देखिए छात्राओं ने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया, आप बने रहिए डीएन हरियाणा के साथ, मिशन बुनियाद की सभी क्लासों के बारे में हम आपको बताएंगे। संस्कृति को बढ़ावा देते हुए बच्चों को सपने अपने सपनों को बुनियादी स्तर तक ले जाने में सहायता करना है। इसका लक्ष्य छात्रों के ज्ञान और शिक्षा के बढ़ते जुनून को आकार देना और गहन पर्यवेक्षण, अग्रणी तकनीक और जुटाव के माध्यम में उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। नाउ आई वांट टू टेल अबाउट माई एक्सपीरियंस इन मिशन बुनियाद। मुझे 8th क्लास में बोला गया कि मिशन बुनियाद का एग्जाम होना है, जिसकी 3 लेवल्स है। तब तक हमें कुछ नहीं बताता क्या है मिशन बुनियाद और क्या है इसके बेनिफिट्स, ना हमें ये बताता कि इसे क्लियर करने के बाद हमें कोई स्पेशल कोचिंग मिलने वाली है। तब तक तो बस ये था कि बस पेपर देना है, और अपने ही क्लास के स्टूडेंट के साथ एक कॉम्पिटिशन था। मेरी बुनियाद की फर्स्ट लेवल ब्लॉक लेवल पर इस स्कूल में हुई थी, और ये एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं घर पहुंची और मैंने अपने सिस्टर के साथ डिस्कस किया तो लगा कि शायद ये क्लियर हो सकता है। जब रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। इस बात से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला और मैंने सेकंड लेवल के लिए तैयारी की। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जीत हुई थी। एग्ज़ाम के बहुत टफ क्वेश्चन आए थे और नेगेटिव मार्किंग के चलते मुझे अपना सिलेक्शन हो पाना मुश्किल लग रहा था। आई डोंट बिलीव कि मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर मेरी थर्ड लेवल नरवाना हुई। मैं वहाँ अपने पापा के साथ गई हुई थी, वो बहुत इजी थी, और ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी वहाँ साथ में हुआ था। तब हमें पता चला था कि क्या है मिशन बुनियाद। मेरे पापा को मुझसे ज़्यादा भरोसा था कि मुझसे मेरा पेपर क्लियर होगा, और एक दिन उनके पास कॉल आया कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया है। उस टाइम पर मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे। तब मेरी मन में बहुत क्वेश्चन थे कि कैसे स्टडी होगी, कब होगी, कहाँ होगी, पर धीरे धीरे मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। हमारी पहली क्लास 5 सितंबर को लगी। पहले जब मैं यहाँ आई, सेंटर में आई, तो मुझे कुछ बहुत कुछ समझ में आता था, कम समझ में आता था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मुझे सब समझ आने लगा। यहाँ मुझे स्कूल में पढ़ा करती थी तो वहाँ सभी बच्चों का लेवल सेम नहीं था, तो टीचर्स को एक चैप्टर करवाने में काफ़ी समय लग जाता था। पर यहाँ सभी बच्चों का लेवल सेम है, अगर कोई स्टूडेंट एक टाइम पे ना भी करे तो उसे कंपटीशन को देखकर कंपलसरी हो जाता था। मुझे यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, और इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी हमारे प्रिंसिपल सर का, जिन्होंने हमारे किसी भी इशू को ज़्यादा दिन तक इशू नहीं रहने दिया। हमें इतनी अच्छी संस्था और इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए मैं नवीन मिश्रा सर का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ। सो थैंक यू प्रिंसिपल सर, एंड थैंक यू नवीन मिश्रा सर फॉर ऑल ऑफ दैट। थैंक यू।